आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमने पढ़े हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो उस ग्रुप में ज़ीरो को भी अगर हम रख लें, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं 10,999 के बाद, तो हम 1-1 ऐड करते जाएंगे इसमें। देखिए 10,999 1 ऐड किया, 11,000 प्लस 1 11,001 में 1 ऐड किया 11,002। तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर जो हैं 10,999 के बाद क्या आ गए हमारे पास, 11,000 11,001 एंड 11,002। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द 3 होल नंबर ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले आने वाले 3 होल नंबर बताने हैं, तो 1-1 माइनस कर देंगे हम। 10,001 - 1 10,000, और फिर 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे 9,999, फिर 9,999 में से 1 माइनस कर देंगे 9,998। तो हमारे पास जो है वो 3 होल नंबर 10,001 से पहले आ जाएंगे, 9,998। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर हमने बताया था कि अलोंग होल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद ज़ीरो। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दो नंबर दिए हुए 32 और 53, इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर हैं? जो भी हैं वो होल नंबर हैं सब, क्योंकि होल नंबर की डेफिनेशन कहती है 0, 1, 2, 3 अप टू सोन सब होल नंबर होते हैं। तो इन अब हमें क्या काम करना है, 32 और 53 के बीच के नंबर पता करना है। कैसे पता करेंगे? 52 से 32 को माइनस कर देंगे और 1 उसमें से और माइनस कर देंगे, तो करेक्ट नंबर आ जाएंगे। जब भी हमें दो नंबर के बीच में नंबर पता करने हों, तो 52 वो बड़ा नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो, तो 52 - 32 और 1 उसमें से एक और माइनस कर दो, तो वो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा 20। तो देर आर 20 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ 24,40,701। सक्सेसर मीन्स वन नंबर नेक्स्ट, तो उसमें एक ऐड कर देते हैं हम सक्सेसर पता करने के लिए। सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 24,40,702। बी पार्ट देखते हैं, 1,199 सक्सेसर बताना, तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1,200 सक्सेसर हो जाएगा इसका। सी पार्ट देखते हैं 1,09,999 का सक्सेसर पता करते हैं, 1 ऐड कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 1,10,000। डी पार्ट देखते हैं, 23,45,670 सक्सेसर पता करने के लिए वही प्रोसेस है, 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 23,45,671। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर 1 माइनस हो जाएगा इसमें, इससे एक पहला नंबर 94 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 94 - 1 - 93। ऐसे ही फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 10,000, 10,000 माइनस 1 कर देंगे 9,999 आ जाएगा इसका। सी पार्ट है हमारे पास 2,08,090, तो इसमें से भी माइनस 1 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा ये 2,08,089 प्रीडिसेसर आ जाएगा इसका। फिर डी पार्ट है 76,54,321 प्रीडिसेसर, माइनस 1 कर देंगे प्रीडिसेसर के लिए, 76
54,320 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें दो होल नंबर दिए हुए हैं और इन होल नंबर में एक तो ये देखना है कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, और कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट में आएगा ये बताना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ए पार्ट में 530 और 503 दो हैं, 530 बड़ा है तो 530 ग्रेटर देन 503, सो 503 अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन। 530 जो है बड़ा है और 503 छोटा है, जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है बड़े नंबर के, तो इसलिए क्या कहा गया 503 अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। बी पार्ट देखते हैं 370 एंड 307, 370 बड़ा है, 370 ग्रेटर देन 307, और 307 जो है ये छोटा है तो इसलिए लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पर। अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट में नंबर आता है, जो छोटा होता है वो नंबर लाइन पर लेफ्ट में आता है, सो 307 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन। सी पार्ट देखते हैं 98,30,415 एंड 1,23,001, तो 1 करोड़ आ रहा है तो यही बड़ा है नंबर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेस देन का साइन लगा देंगे, 98,30,415 लेस देन 1,20,001। और अभी हमने बताया था कि जो नंबर छोटा होता है वो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में आता है, सो 98,30,415 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 1,23,001 ऑन नंबर लाइन। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 98,765, 56,789, तो 98,000 आ रहा है तो ये बड़ा है, 98,765 ग्रेटर देन 56,789, और 56,789 लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन के, सो 56,789 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 98,765 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर एट, ट्रू और फॉल्स हमें इसमें करने हैं, तो फर्स्ट है हमारे पास ए, जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, तो वन से स्टार्ट होते हैं, जीरो तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, ये फॉल्स होगा। बी पार्ट देखते हैं, 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399, प्रेडिसेसर क्या होता है एक नंबर पहले, तो 399 का तो 398 आएगा तो फॉल्स है। सी देखते हैं, जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, क्या होती है होल नंबर की डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद ज़ीरो, या फिर ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद ज़ीरो कॉल्ड होल नंबर, तो सबसे छोटा होल नंबर ज़ीरो होता है, ये ट्रू है। सिक्स डी देखते हैं, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, यस, सक्सेसर मीन्स होता है कि एक ऐड कर दो एक नंबर नेक्स्ट, 599 में एक ऐड करेंगे तो 600 आएगा, ये ट्रू है। ई देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं, यस, नेचुरल नंबर के ग्रुप के अंदर सारे होल नंबर्स कवर हो जाते हैं। ऑल होल नंबर एफ है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, तो ज़ीरो होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। जी देखते हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कि टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर एक सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। आप देखिए, एक टू डिजिट का नंबर है 10, उसका प्रेडिसेसर 9 होगा, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, हो सकता है वो। तो एच देखते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है, नहीं, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। आई देखते हैं, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, जो नेचुरल नंबर है 1 उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, उसका कोई प्रेडिसेसर कैसे हो सकता है, तो ये ट्रू है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, 1 जो होल नंबर है उसका प्रेडिसेसर होगा, क्योंकि उसका प्रेडिसेसर कैसे हो सकता है, उसका प्रेडिसेसर होगा 0। के देखते हैं, द होल नंबर
थर्टीन लाइज बिटवीन इलेवन एंड ट्वेल्व, इलेवन और ट्वेल्व के बीच में थर्टीन लाई करता है? नहीं, फॉल्स है। एल देखते हैं, द होल नंबर जीरो हैज़ नो प्रेडिसेसर, जीरो से छोटा होल नंबर होता ही नहीं है तो उसका प्रेडिसेसर भी नहीं होगा, तो ये ट्रू है। एम द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर, अ टू डिजिट नंबर सक्सेसर किसी भी टू डिजिट का नंबर का सक्सेसर टू डिजिट का ही होगा, ये फॉल्स है। कैसे? देखिए, टू डिजिट का नंबर लेते हैं हम 99, उसका सक्सेसर क्या होगा 100, वो तो थ्री डिजिट का हो गया, तो इसलिए ये फॉल्स है।